तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सोशल मीडिया से ब्लॉगर के लिए कैसे ट्रैफिक लाना है, इसी का जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखते रहना एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सोशल मीडिया पे आपको अकाउंट बनाना होगा। जैसे कि आपको फेसबुक से ट्रैफिक लाना है ब्लॉगर के लिए, तो आपको जो है फेसबुक पे अकाउंट बनाना होगा। उसी तरीके से अगर आपको पिंटरेस्ट से आपको अगर ट्रैफिक लाना है तो पिंटरेस्ट पे आपको जो है अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। बाकी अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है अकाउंट बनाना है और कैसे जो है काम किया जाता है और कैसे जो है ट्रैफिक आता है, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है बता दिया हूँ फेसबुक, पिंटरेस्ट और ट्विटर पे भी आपको अकाउंट बनाना होगा और ट्विटर से भी अच्छा खासा जो है ट्रैफिक आते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आपको अकाउंट बनाना होगा और वहाँ से भी ट्रैफिक अच्छा खासा आता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है फेसबुक को ओपन करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है मेरा फेसबुक है, ठीक है। ब्लॉगर पे अगर ट्रैफिक लाना चाहते हो तो ये फेसबुक से बहुत ही अच्छा खासा जो है ट्रैफिक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको जो है फेसबुक पर पेज बनाना है। अगर आपको जो है पेज नहीं बनाने आता है तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख लेना। फिर आप जो है बहुत ही आसानी से आप जो है फेसबुक पेज बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फेसबुक पेज जो है अलग होता है और फेसबुक जो आईडी होता है वो आपका पर्सनल वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि पोस्ट इस पे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जो है सारा कुछ लिख सकते हो कि आपके फेसबुक पेज पे है क्या। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बुद्धा स्टेटस, महाकाल स्टेटस, दोस्ती शायरी, दर्द शायरी, फनी शायरी, मज़ेदार जोक्स, बाकी उसके बाद जो है कितना लाइक है, कितना जो है फॉलो है, वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे आप देख सकते हो कि मेरे वेबसाइट का जो है यहाँ पे यूआरएल है, तो यहाँ पे यूआरएल देना है, आपको जो है जीमेल आईडी देना है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे जो है आपको दिख जाएगा पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोस्ट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप अपने ब्लॉगर पोस्ट को फेसबुक पेज पे अगर शेयर करते हो तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है अगर आपके पोस्ट पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट जो है आपके ब्लॉग पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पोस्ट पे, तो देख रहे हो कि यहाँ पे जो है पोस्ट ओपन हो गया, डायरेक्ट जो है ब्लॉगर पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता है इस तरीके से अगर व्यूज तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपको जो है फेसबुक पे पेज बनाना होगा। तो यहाँ पे जो है आपको पेज बना लेना है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे और क्या करना है। तो यहाँ पे जो आपको पिंटरेस्ट पे जो है अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पिंटरेस्ट पे अकाउंट जब आप बनाओगे तो यहाँ से भी जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा ब्लॉगर के लिए। यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है अकाउंट बना के नाम रख के अपने पिंटरेस्ट में अपने आईडी का, यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि अपने जो है वेबसाइट का यूआरएल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबसाइट का यूआरएल है। बाकी यहाँ पे आपके ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आएगा तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर कोई क्लिक करेगा, ठीक है, ऑल पिन पे, चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑल पिन यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद चलिए मैं यहाँ पे जो है किसी एक पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा फोटो पे फिर से एक बार, तो होगा क्या कि ये जो है डायरेक्ट ब्लॉग पे चला जाएगा, यानी वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि वेबसाइट जो है ओपन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आप जो है पिंटरेस्ट से भी जो है बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ सकते हो। बाकी पिंटरेस्ट पे जो है अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जो है आप जीमेल आईडी के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू जो है आप लॉगिन हो सकते हो, आप अपना जो है अकाउंट बना सकते हो, ठीक। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ट्विटर है, ठीक है। ट्विटर पे भी जो है आपको अकाउंट बनाना है, इसके ऊपर जो है वीडियो में बना दिया हूँ पहले, ठीक है, तो देख लेना जाके। बाकी यहाँ पे जो है आपको आके करना क्या है कि अपने वेबसाइट का यूआरएल देना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। बाकी इस पर जो कोई भी क्लिक करेगा तो होगा क्या कि आपका वेबसाइट जो है तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर आप पोस्ट डालोगे तो यहाँ पे जो है आप सिर्फ थंबनेल डाल पाओगे, ठीक है। बाकी उसके ऊपर जो है लिंक रहेगा, तो लिंक पे अगर कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे होगा क्या कि आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाएंगे कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका वेबसाइट जो है इस तरीके से ओपन होगा।
बाकी अब मैं बता देता हूँ कि ये जो है इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आपको करना क्या है कि पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट करोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो है बहुत ही तेज़ी से जो है फॉलोवर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अच्छी अच्छी पोस्ट करोगे तो, बाकी यहाँ पे जो है आपके वेबसाइट का लिंक काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हैशटैग काम करेगा। बाकी यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो कि ऊपर में प्रोफाइल में जो है आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी ब्लॉगर पे जो है ट्रैफिक लाने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि फेसबुक पे जो है आपको एक पेज बनाना है, ठीक है, और उस पे जो है शेयर करना है अपने ब्लॉग पोस्ट को। बाकी उसके बाद जो है यहाँ पे पिंटरेस्ट पे भी आपको जो है करना क्या है कि आपको अपने पोस्ट को शेयर करना है, क्योंकि फेसबुक पे और पिंटरेस्ट पे होता क्या है, डायरेक्ट आपके पोस्ट पे क्लिक करके आपके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है ट्विटर पे होता क्या है कि आपका जो है पोस्ट होता है, ठीक है, तो पोस्ट जो होता है तो फोटो अलग से जो है देना पड़ता है, अलग से लिंक देना पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पोस्ट पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो आपके वेबसाइट पे नहीं जाएगा, यहाँ से जो है लिंक पे क्लिक करेगा तब जाएगा आपके वेबसाइट पे, ठीक है। उसी तरीके से इंस्टाग्राम में होता क्या है कि आपका लिंक नहीं काम करता है पोस्ट के अंदर में, ठीक है, ये जो प्रोफाइल के अंदर में ये ही काम करेगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो है फॉलोवर जो है आप इकट्ठा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्या है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम आज के टाइम में जो है फैशन के तरह हो चुका है, ठीक है। तो आप जो इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बना लेना, आप जो है ट्विटर पे भी अकाउंट बना लेना, बाकी आपको जो है करना क्या है कि यहाँ फेसबुक पे भी अकाउंट बना लेना, ठीक है, अब और उसके बाद जो है यहाँ पिंटरेस्ट पे भी अकाउंट बना लेना। बाकी आप जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, आप जो है ट्विटर पे अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, लेकिन यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि फेसबुक पे ज़रूर अकाउंट बनाना है और पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पिंटरेस्ट पे होता क्या है कि आपके पोस्ट पे कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ फेसबुक में भी वही सिस्टम है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी यहाँ पे जो है अकाउंट बनाने से भी नहीं होता है, आपको करना क्या है कि डेली के डेली जो है आपको अपने ब्लॉग के अंदर में पोस्ट करना है, ठीक है। जब आप लगातार पोस्ट करते रहोगे तो होगा क्या कि ऐसे में जो है यूज़र आपके जो है यहाँ फेसबुक पे और पिंटरेस्ट पे आएगा और डेली के डेली पोस्ट करते करते आपका जो है ब्लॉग का रैंक बढ़ेगा ऐसी, और आपके ब्लॉग पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा, ठीक है। अगर आप एक दिन भी अगर शांत बैठ जाते हो, ठीक है, आप एक दिन भी पोस्ट नहीं करते हो, तो ऐसे में जो है आपके ब्लॉग की जो रैंकिंग होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो यही जानकारी देना था आपको, और जिस तरीके से मैंने काम बताया है उसी तरीके से आपको करना है, तो 100% जो है ऐसे में होगा क्या कि आपके ब्लॉग पे जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ठीक। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।